ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना मॉइस्चर रहता है, और ये मेरा तरीका अपनाया हुआ है। पहले हम गर्मी में पानी नहीं देंगे 3-4 दिन पौधों को, तो पौधे सूख जाएंगे। दोस्तों, गर्मी जैसे जैसे तेज़ होती जा रही है, टेम्परेचर 40 से 42 45 कहीं कहीं तो उससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय जो छत में जो बागवानी करते हैं या कोई बालकनी में बागवानी करते हैं, जहाँ जिन पौधों को धूप चाहिए होती है, तो इन दिन भर की धूप में पौधा जो है सूख जाता है। उसमें अगर हम कितना ही पानी डालें, फिर भी जो पौधे की मिट्टी है वो सूख जाती है, क्योंकि सूरज की जो रेडिएशन है, सूरज की जो किरणें हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट जो है अपने पौधों पे, छत में अगर जो गार्डनिंग कर रहे हैं उसमें पड़ती है, जिससे क्या होता है कि पौधों की जितनी एनर्जी है वो लॉस हो जाती है और पौधा जल्दी सूख जाता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। आज मैं आपको गर्मी में पौधों को कैसे बचाया जाए उसके उसमें एक उपाय बताऊंगा। उससे पहले वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको गर्मी में पौधों की देखरेख किस प्रकार से करेंगे, जिससे कि आपके पौधों में जो है फ्लावरिंग भी अच्छी हो, अगर आपके फल वाले या सब्जी वाले पौधे हैं तो उसमें सब्जियां भी अच्छी लगें, क्योंकि ये गर्मी की रेडिएशन जो है पौधों में, अगर छत में बागवानी करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है छत में, उसकी वजह से जो पौधे जो हैं सूख जाते हैं। और इसको हम अगर पानी देते हैं, अगर सुबह किस टाइम पानी देते हैं तो वो दिन में तक सूख जाता है, अगर शाम के समय पानी देते हैं तो थोड़ा दिन में तक अगर उसको पानी नहीं दिया तो वो भी सूख जाता है। तो ये देखिए, उससे क्या होता है, आपकी सनलाइट जब डायरेक्ट पौधों में पड़ती है, आपकी कोई भी पौधे में, तो उसकी जो है पत्तियाँ सूखने लगती है। ये देखिए, इस प्रकार से पत्तियाँ उसकी सूखने लगती हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट जो पौधों में पड़नी है, उसके लिए एक उपाय है कि आप नेट का उपयोग कर सकते हैं, जो ग्रीन नेट आती है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, अगर वो खर्चा ज़्यादा है, तो आप, मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, एक टिप दूंगा वीडियो के लास्ट में। उस वीडियो से आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लिया 2-3 दिन का टूर है या इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो आप पौधों को उस ट्रिक से बचा सकते हैं अपने पौधों को। 3-4 दिन के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो आप पानी एक दिन डाल के, जैसे आज आपको जाना है तो आज पानी डालेंगे, तो 3-4 दिन तक आपके पौधों में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ट्रिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए, और जो चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जैसे गुलाब के पौधे की देखिए, इसमें रेडिएशन पड़ने से जो है पत्तियाँ देखिए जैसे झुलस गई हैं, ये सनबर्न का साइन होता है, क्योंकि जो रेडिएशन इस समय है 40-45 डिग्री टेम्परेचर की वजह से जो कोई भी पौधे की पत्तियाँ हैं वो सूख जाती हैं, या उनके जितना उसमें मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है। तो आप पौधे में जो पानी देने का है तरीका, वो इस प्रकार से करेंगे। गर्मियों में पूरे इस जैसे पौधे में है पत्तियों सहित पूरा इसको पूरा नहला देंगे। गर्मियों में पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिट्टी सूख जाती है जल्दी, तो आप 2 टाइम पानी दे सकते हैं। इस समय जो पौधों को पानी देना है, आप सुबह के टाइम में अगर दे रहे हैं पौधों को पानी, तो पूरा जो है पानी को, पौधे को पूरा नहला दीजिए पानी से। और अगर शाम के समय दे रहे हैं तो पत्तियों को ना देकर, पत्ती और फूलों को ना देकर आप जड़ में पानी दीजिए, क्योंकि जो है पौधों में फंगस लगने का डर रहता है शाम के समय अगर हम इस तरीके से पानी देते हैं। तो आप पौधों को गर्मियों में खूब नहला दीजिए पानी से। दोस्तों, आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं या आपका कोई रिपोर्टिंग वाला प्लांट है, तो उसको इस समय गर्मी में आप ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए जिससे कि आपका पौधे जो है इसमें मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और आपका पौधा जो है सूखने से बच जाए। ये देखिए, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, जितने भी वीडियो बताए हैं उसमें, ये राइस हस्क का यूज करता हूँ पौधों की मिट्टी में, जिससे कि इसमें 1-2 दिन अगर हम भूल गए पानी देना भी, तो ये राइस हस्क में जो है मॉइस्चर बना रहता है, जिससे कि आपका पौधा जो है ग्रोथ करता है अच्छी, और ये पौधा जो है गर्मी में भी सूखने से बच जाता है। तो इस प्रकार आप राइस हस्क का यूज करिए। राइस हस्क आपको कहीं भी मार्केट में जो धान मिल वगैरह होती है या कोई चक्की है, वहाँ मिल जाएगी राइस हस्क। अगर आप राइस हस्क का यूज़ नहीं करना चाहते मिट्टी में, तो आप गोबर की जो खाद होती है उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, उससे भी मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि गोबर की खाद में भी अच्छी खासी मात्रा में मॉइस्चर होता है। देखिए, जैसे ये गोबर की खाद है, इसमें बहुत मॉइस्चर है, ये देखिए पूरा गीला हो रखा। अगर इसको आप मिट्टी में यूज करेंगे तो ये मिट्टी आपकी जो है मॉइस्चर बने रहेगा, इससे भी आप पौधों को गर्मी की हीट वेव से बचा सकते हैं। एक तरीका और है, मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपने पौधों की जो
मिट्टी है उसको सूखने से बचा सकते हैं। वो तरीका जो है आप अगर यूज करेंगे तो आप 3-4 दिन भी गर्मियों में अगर कहीं जा रहे हैं तो 3-4 दिन भी अगर आप पौधों में पानी नहीं देंगे तो आपका जो पौधा है वो बगैर पानी के सूखेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो उसकी वजह से जो मॉइस्चर बने रहेगा वो पौधे की ग्रोथ के लिए सही रहेगा और उससे जो आपकी जो मिट्टी है वो भी नहीं सूखेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या तरीका है। वो 3-4 प्रकार के तरीके हैं, आप यूज करना चाहें तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं उसमें से। ये देखिए जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये है आजकल गेहूं की मड़ाई चल रही है, गेहूं का जो भूसा होता है वो आपको मिल जाएगा कहीं भी, गेहूं जहां मड़ाई होती है किसान किस कोई भी किसान है उनके पास मिल जाएगा। अगर आप इसको यूज करेंगे तो इससे भी आपकी जो मिट्टी में है मॉइस्चर बना रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसको किस तरीके से करना है। आप अपने पौधे में जो है ऊपरी लेयर इसकी करीब 1 से 2 इंच करीब इसको डाल देंगे ऐसे करके, और इसमें आप ऊपर से पूरा पानी दे देंगे। पानी इतना देना है कि आपका जो पानी की जो जहाँ से निकासी होती है एक्स्ट्रा जो पानी होता है वहाँ से निकलने लग जाए, उतना पानी दे दीजिए इसमें, तो आपका 3-4 दिन जो है इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना मॉइस्चर रहता है, और ये मेरा तरीका अपनाया हुआ है। पहले मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसको पहले अपने पौधों पर ट्राई करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट के तहत दिखाता हूँ। देखिए इसमें कितना मॉइस्चर है, क्योंकि अगर हम गर्मी में पानी नहीं देंगे 3-4 दिन पौधों को तो पौधे सूख जाएंगे। अगर इस तरीके से हम ये देखिए इसको निचोड़ रहा हूँ मैं, देखिए इतना पानी है। अगर ये ऊपरी लेयर में अगर इसमें हम इस तरीके से पानी डाल देंगे, इसमें ये देखिए इसमें पानी डाल रहा हूँ, इस तरीके से पानी डाल देंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो नीचे से, क्योंकि अगर हम इसको 2-3 इंच की लेयर अगर ये रहेगी तो आपकी मिट्टी सूखने नहीं पाएगी। इस तरीके से आप कहीं भी अगर गर्मियों में घूमने का प्लान है या कहीं, ये देखिए मिट्टी जो है मॉइस्चर रहेगा मिट्टी में, और इसको अगर हम ऊपर से पूरा ऐसे ढक देंगे हर पौधों में अपने। अगर आपको धान की भूसी या गेहूं की भूसी वो नहीं मिल रही है तो आप जो कोकोपीट होता है, कोकोपीट आपको मार्केट से या ऑनलाइन स्टोर से कहीं भी मिल जाएगा, कोकोपीट के आप इसमें 1 इंच की लेयर बना दीजिए इस प्रकार से। कोकोपीट में भी मॉइस्चर बहुत रहता है, ये देखिए इसमें अभी भी मॉइस्चर है, ये देखिए ये गीला है, मैंने 3-4 दिन पहले इसको भिगाया था, देखिए अभी भी गीला है। इस प्रकार से इसको आप कोकोपीट की भी लेयर बना के इसको इसमें पानी डाल देंगे तो इसमें भी मॉइस्चर बने रहेगा आपका। कि जो हीट वेव से जो आपकी मिट्टी सूख जाती है या पौधा ड्राई हो जाता है बिल्कुल सूख जाता है तो वो बच जाएगा। आप कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं मल्चिंग के तौर पे, ये मल्चिंग कहा जाता है इसको जो पौधे के ऊपर लगाई जाती है लेयर, ये मल्चिंग के तौर पे आप इसको सर्दियों में भी यूज कर सकते हैं। जब सर्दी पड़ती है कोहरा लगता है उस समय उसकी वजह से आपके पौधे ख़राब होते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे यूज होता है मल्चिंग का। मल्चिंग आप पौधों में करेंगे किसी भी चीज़ की, जैसे कोकोपीट हो गया या धान की भूसी, उससे आपका पौधा बचे रहेगा। एक तरीका और है, बहुत सस्ता तरीका है। अगर आप कोकोपीट वगैरह मार्केट से नहीं लाते हैं, आपके अगर थोड़ा बजट की कमी है तो आप जो है नारियल लाते होंगे, नारियल आप खाते होंगे, नारियल का जो बाहर का भूसा आता है बुरादा जो निकालते हैं हम, ये देखिए नारियल का, इसको भी मल्चिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नारियल का जो ये बाहर का कवर होता है इसका, इसको आप इस प्रकार से पौधों के ऊपर रख देंगे मिट्टी के ऊपर, और ये देखिए इसको इस तरीके से पूरा बिछा देना है जो नारियल का भूसा है जो बाहर का कवर होता है, और इसको मिट्टी को पूरा ढक देना है, और इसमें देखिए इस प्रकार से पानी डाल देंगे आप। पानी इतना डालना है कि पूरा गीला हो जाए, पूरा ऊपर की जो नारियल का भूसा है ये भी गीला हो जाए। आप कहीं जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए या 1 दिन इमरजेंसी कहीं जाना है और आपका पानी नहीं पड़ पा रहा है पौधों में, तो ये तरीका आप अपना के कहीं भी जा सकते हैं और आपका पौधा जो है बच जाएगा हीट वेव से। ये देखिए इसमें पानी कितना होता है, देखिए ये पूरा गीला हो गया, देखिए ये 1-2 दिन अगर इसको ऐसे रखे रहेंगे तो ये सूखेगा नहीं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा बने रहता है। इस तरीके से आप पौधे को बचा सकते हैं अपने। ये देखिए आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये केले के छिलके और संतरे वगैरह जो भी आपके फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनके छिलके, और ये मूंगफली के छिलके,
आप मल्चिंग करना चाहेंगे तो ये आपके सस्ते जो भी आपके छिलके वगैरह होते हैं घर में जो यूज होते हैं सब्जी या फल के, आप उनको सुखाकर बिल्कुल 2-3 दिन अगर आप सुखाएंगे उनको धूप में, तो इस प्रकार से सूख के वो बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, जिससे कि आप इसकी भी मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसको फैला दीजिए पौधों में, इससे क्या होगा पौधों को जो है अपनी जो खाद की भी पूर्ति होगी, क्योंकि केले के छिलके और संतरे के छिलके वगैरह में जो है खाद की मात्रा बहुत होती है, क्योंकि जो केले के छिलके हैं इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में जो है पोटेशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। इसकी भी आप मल्चिंग कर सकते हैं पौधों में, इस प्रकार से आप इसको ऊपर बिछा दीजिए, बिल्कुल कोई भी आपका पौधे पॉट है उसमें बिछा दीजिए मिट्टी के ऊपर, और इस तरीके से इसमें पानी दे दीजिए, तो आपका जो पौधा है हीट वेव से बच जाएगा और पौधे की जो मिट्टी है वो गीली रहेगी, मॉइस्चर रहेगा उसमें। मैंने जो तरीके बताए हैं ये कैसे लगे आप लोगों को बताइए।